मित्रों, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्प्रेरक की विशेषताएं। और मित्रों, यह आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिसमें हमने कई वीडियो बनाया है और ये आपके लिए 12वां वीडियो यानी सेट नंबर 12वां होने वाला है। कई बार मित्रों हमने देखा है, एक दो नंबर का प्रश्न यहीं से पूछ लेता है, उत्प्रेरक की विशेषताओं से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं उत्प्रेरक की विशेषताओं से, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्प्रेरक रासायनिक संगठन एवं अभिक्रिया की मात्रा तथा भार रासायनिक अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक रासायनिक, उत्प्रेरक की जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन का मतलब यह होता है मित्रों, इसकी मात्रा, संगठन का मतलब होता है अगर आयरन है तो आयरन ही रहेगा, और इसकी मात्रा, मात्रा मतलब अगर आप 50 ग्राम डालेंगे तो 50 ग्राम ही रहेगा, तथा भार अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक की विशेषताएं कहलाती हैं। तो मित्रों, ये है उत्प्रेरक की विशेषताएं। कोई आप रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात कह सकते हैं आप उत्प्रेरक के मान में मित्रों कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। मित्रों, जो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, यह किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करता ही नहीं। बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया, उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है विशिष्ट होती है, यहाँ लिखा है विशिष्ट नहीं होती, उत्प्रेरक की जो क्रिया होती है मित्रों विशिष्ट होती है, काफ़ी विशिष्टता उसमें इसमें पाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ पे चौथा पॉइंट आप देखिए क्या कहा गया है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है। मित्रों, जो उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा होती है, जो हल्की मात्रा होती है, वो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, प्रभावित कर देता है, इसके वेग को प्रभावित कर देता है। उत्प्रेरक चूर्णित अवस्था में अधिक अभिक्रियाशील होता है। मित्रों, जो कैटलिस्ट होता है चूर्ण अवस्था में है तो अभिक्रिया ज़्यादा दर्शाएगा, और चूर्ण अवस्था में नहीं है तो अभिक्रिया कम दर्शाएगा। ये है उत्प्रेरक की विशेषता। नेक्स्ट पॉइंट आप जरा ध्यान दीजिए, किसी कारणवश यदि बारीक उत्प्रेरक या पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी कारणवश यदि बारीक उत्प्रेरक या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बारीक उत्प्रेरक या पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बढ़ जाए तो उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो भी बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्रियाशीलता भी मित्रों क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग सीख पाए उत्प्रेरक की विशेषताओं के बारे में। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।